सबको ये फिल्म समर्पित है। अब ये फिल्म के साथ क्या होगा ये आपके हाथ में। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो मेरे बिल्कुल इमीडिएट फैमिली में हुआ, वो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरे जो मामा थे, मेरे मदर के छोटे भाई, मेरी माँ बार बार इसका जिक्र करती है, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी पैसे जोड़ जोड़ के, वो ओवरसियर थे वहाँ पर, और ओवरसियर को क्या बोलते हैं, नॉर्मली ओवरसियर ही बोलते हैं, हाँ, तो बिकॉज ओवरसियर इज़ अ वेरी टिपिकल स्मॉल टाउन वर्ड, तो वो इंजीनियर से जो छोटे होते हैं उनको ओवरसीयर बोलते हैं। तो उन्होंने बड़े मुश्किल से पैसे कमा के, उनका एक सपना था कि कश्मीर में श्रीनगर में अपना एक घर बनाएंगे, तो उन्होंने वो घर जैसे तैसे 86, 85, 87 में बना लिया और बड़े खुश थे कि अपना उनका एक घर था। और जैसे ही उन्होंने घर बनाया, उसके कुछ 6-7 महीने बाद ये थ्रेट्स आनी शुरू हो गई कि आप निकलो यहाँ से। एंड फिर ऐसी थ्रेट्स आई कि भाई हमारे हमने आपके पड़ोसी को मार दिया है, उसकी लाश वहाँ पड़ी है, अब अगर आप अगले कुछ दिनों में नहीं छोड़ेंगे तो हम फिर आपकी लाश किसी और के घर पर होगी। सो एक रात को एक फिएट गाड़ी में जितना सामान वो डाल सकते थे, जिंदगी भर की पूंजी एक फिएट गाड़ी में, 4 उनके खुद के अपने सदस्य थे, बेटा बेटी उनकी बीवी, और वो वहाँ से निकल गए और दिल्ली में जाकर कहीं वो सेटल हो गए। और उनका सदमा उनको इतना गहरा पड़ा कि ही डाइड आफ्टर फ्यू कपल ऑफ इयर्स और 3 इयर्स। एंड सो दैट इज़ व्हाट वी हैव सीन। जैसे जब आप किसी के घर से किसी को निकालते हैं तो आप सिर्फ उनको दीवारों से या छत से या उनके आंगन से नहीं निकालते हैं, आप उनको उस जगह की आबो हवा से, उस जगह की खुशबू से, उस जगह के वातावरण से, उस जगह की आदतों से वहाँ से निकालते हैं। मेरे दादाजी का छोटा सा एक मंदिर था, 3rd फ्लोर पे मिट्टी का घर था, और वहाँ पर उनकी वो जो अगरबत्ती रोज़ जलाते थे तो उसकी एक खुशबू थी। अब वो खुशबू टेंट में तो नहीं आ सकती है, या किसी जम्मू के घर में या पूना के घर में या दिल्ली के घर में तो नहीं आ सकती है। हम होटल में 5-स्टार होटल में रहते हैं बहुत बहुत दिनों तक, लगता है यार अभी घर जाके अपने बिस्तर पे सोना है। हम अमेरिका जाते हैं या आप कहीं और जाते हैं, हम कहते हैं चलो यार इंडियन खाना खाते हैं। सो आई थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू माय मदर व्हेन शी सॉ दिस फिल्म शी डिडंट स्पीक टू एनीबॉडी फॉर 2 डेज। दो दिन तक उन्होंने किसी से बात नहीं की, क्योंकि उनकी पूरी मेमरीज वापस जो हैं वो रिवाइव हुई, और उन्होंने कहा क्यों दिखाई तूने मेरे को ये फिल्म, मेरी सारी मेमोरीज वापस हो गई हैं, आ गई हैं, या आर्टिकल 370 जब एब्रोगेट हुआ क्या हम वापस जा सकेंगे, मेरा बड़ा दिल है वापस जाने का। सो अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए जो इस डॉक्यूमेंट्री में बात कर रहे थे उनका क्या हाल हुआ होगा, उनके साथ क्या महसूस किया होगा उन्होंने। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इट्स, आप बार बार काफ़ी लोग बोल रहे हैं आँखें नम है, आई थिंक इसका सदमा जो है ना, इसकी तकलीफ जो है वो आत्मा तक गई है। कश्मीर में आज आप जाओ, मुझे याद है जब बचपन में मैं जाता था तो निषाद गार्डन जाते थे, शालीमार जाते थे, पिकनिक पे जाते थे, तुलमुलम खीर भवानी टेंपल जाते थे, वहाँ की नदियों में घूमते थे, हंदवारा, सोपोर, ये सब जगहें हैं वहाँ की। अब कश्मीर की आत्मा जो है वो घायल है, अब वहाँ बाब्ड वायर्स नज़र आती हैं, सुनसान इलाका है, कुछ अजीब सा वातावरण है। सो दिस फिल्म विल नॉट ओनली revive those memories for millions of people, पर शायद कुछ लोगों के घाव भी भरेंगे। And we are all guilty of not talking about it for 32 years.